गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज अपने 7th लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन। ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन हमने जैसे पढ़ा था कल कि वह एक प्रकार का रिप्रेसिबल ओपेरॉन है। अब आप देखिए, इंड्यूसिबल ओपेरॉन में हमने लैक ओपेरॉन कल पढ़ चुके हैं। आज हम उदाहरण देखेंगे रिप्रेसिबल ओपेरॉन का। रिप्रेसिबल ऑपेरॉन, जिसके नाम से आपको समझ में आ रहा है कि यह ऐसा ऑपेरॉन होगा जो सामान्यतया क्या रहता है, एक्टिव रहता है, लेकिन किसी इफेक्टर मॉलिक्यूल के आने के बाद में यह इनएक्टिव हो जाता है। तो जो इफेक्टर मॉलिक्यूल जो होता है, जिसके आने के कारण यह इनएक्टिव हो जाता है, वह इफेक्टर मॉलिक्यूल है ट्रिप्टोफैन। ठीक है, आगे हम इसको पढ़ेंगे, जिसको हम कहते हैं को रिप्रेसर। ये इसको को रिप्रेसर क्यों कहते हैं, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं आगे। देखिए, ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन की संरचना आपको नज़र आ रही है, आप इसमें देख सकते हैं। जो स्ट्रक्चरल जीन इसमें होते हैं, 5 ट्रिप्टोफेन ई, ट्रिप्टोफेन डी, ट्रिप्टोफेन सी, ट्रिप्टोफेन बी और ट्रिप्टोफेन ए। आप चाहे तो इसको बस इतना ध्यान रखिए कि ए बी सी डी ई है, उल्टा से जो अपन उल्टी तरीके से लिखा गया है। इनसे जो एंजाइम्स बनते हैं, वो सारे एंजाइम्स के नाम यहाँ नहीं लिखे गए हैं, क्योंकि आप सारे याद नहीं कर पाएंगे। आप चाहें तो इसे याद भी कर सकते हैं, पर बेसिकली जो इसमें एंजाइम्स बनते हैं वो होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिप्टोफेन सिंथेसिस। आप देखिए, दोनों में अंतर समझ सकते हैं। लैक ओपेरॉन हमने पढ़ा था, तो उसमें ऐसे एंजाइम बन रहे थे जो लैक्टोज के डिग्रेडेशन में काम आ रहे थे, लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म में काम आ रहे थे। परंतु यहाँ पे ऐसे एंजाइम बनते हैं जो ट्रिप्टोफेन के निर्माण में काम में आते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया। इसके बाद में वही सेम चीज़ है, ऑपरेटर है येलो कलर का, और उसके पहले प्रमोटर है। और ट्रिप्टोफेन आर जो है वो रेगुलेटरी जीन है। रेगुलेटरी जीन किसका निर्माण करेगा, रिप्रेसर प्रोटीन का निर्माण करेगा। अब दोनों में मुख्य अंतर क्या है, वहाँ पे हम देख रहे थे कि जो रिप्रेसर बन रहा था रेगुलेटर प्रोटीन से, वह सामान्यतः एक्टिव होता है, मतलब बिल्कुल उसकी शेप सही होती है और वो जुड़ जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो रिप्रेसर बनता है वो इनएक्टिव रिप्रेसर बनता है। इस इनएक्टिव रिप्रेसर को एक्टिव करने के लिए हमें किसी को रिप्रेसर की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब इतना आप अंतर समझ सकते हैं दोनों में। अब रही बात कि अगर हम आगे देखें कि इसकी कब ये स्विच ऑन होगा, कभी स्विच ऑफ होगा, तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि यदि मीडियम में ट्रिप्टोफेन उपस्थित है, मतलब ट्रिप्टोफेन बहुत भरपूर मात्रा में प्रेजेंट है, तो आप खुद सोचिए क्या हमको ट्रिप्टोफेन बनाने की आवश्यकता होगी। हमको ट्रिप्टोफेन बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो अगर मीडियम में ट्रिप्टोफेन उपस्थित है, तो यहाँ पे इन जीनों का एक्सप्रेशन क्या होगा, नहीं होगा। लेकिन यदि मीडियम में ट्रिप्टोफेन अनुपस्थित है, मतलब ट्रिप्टोफेन नहीं पाया जा रहा, तो इन जीनों की अभिव्यक्ति आवश्यक होगी। तो उसके बाद तब इन ये जीन स्विच ऑन हो जाएंगे और अपने आप को अभिव्यक्त करेंगे। अब आप देखिए एक बार, पहला जो हमने वही पढ़ा था वही कंडीशन है कि इफ़ ट्रिप्टोफेन इज एबसेंट, रिप्रेसर प्रोटीन इनएक्टिव, ओपेरॉन ऑन। ये क्या बता रहे हैं कि यदि ट्रिप्टोफेन क्या है, मीडियम में अनुपस्थित है, मतलब वो नहीं पाया जाता है, इसका मतलब ट्रिप्टोफेन को बनाना पड़ेगा। तो क्या होगा, रिप्रेसर प्रोटीन, रेगुलेटरी प्रोटीन रिप्रेसर का निर्माण कर रहा है, लेकिन जो रिप्रेसर है यह इनएक्टिव है। यह इनएक्टिव है, इस कारण से यह प्रमोटर ऑपरेटर पे बाइंड नहीं हो पा रहा। ऑपरेटर पे बाइंड नहीं हो पा रहा तो आरएनए पॉलीमरेज अपना काम आसानी से कर पा रहा है। और इन पांचों जीनों की अभिव्यक्ति हो रही है, इन पांचों जीनों से पहले एक एमआरएनए बनता है, और ये एमआरएनए फिर 5 प्रोटीन्स का निर्माण करता है। तो ये हो गया कंडीशन 1, जिसमें हम कहते हैं कि ट्रिप्टोफेन एब्सेंट है तो ये जीन स्विच ऑन हो जाएंगे। अब इसी चीज़ को हम एनिमेशन द्वारा समझेंगे। तो पहली कंडीशन में क्या हुआ, ट्रिप्टोफेन प्रेजेंट है। प्रेजेंट है तो क्या होगा, रेगुलेटरी प्रोटीन ने रिप्रेसर प्रोटीन बनाया। रिप्रेसर प्रोटीन स्वयं ऐसा है कि इसका शेप कि यह इनएक्टिव है। ये इनएक्टिव है तो आरएनए पॉलीमरेज आसानी से ऑपरेटर पर बाइंड होगा, और आगे यह इन सब जीनों से, इन 5 जीनों से आरएनए का निर्माण करेगा। तो आगे देखिए, आरएनए पॉलीमरेज आरएनए का निर्माण कर रहा है, एमआरएनए का। यह एमआरएनए फिर आगे ट्रिप्टोफेन के सिंथेसिस में काम आने वाले सभी एंजाइम्स और सभी प्रोटीन्स का निर्माण करेगा। तो इस प्रकार से यह जीन अभिव्यक्त होगा। ये देखिए, एमआरएनए बन गया है, और एमआरएनए फिर आगे सभी
पांच प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करेगा। दीज प्रोटीन सब यूनिट्स आर यूज टू मेक द एंजाइम्स नीडेड टू सिंथेसाइज ट्रिप्टोफेन। तो ये समझ पा रहे हैं आप, ट्रिप्टोफेन यदि अनुपस्थित है तो ये जीन है स्विच ऑन। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कंडीशन टू, व्हेन ट्रिप्टोफेन इज प्रेजेंट, जब ट्रिप्टोफेन मीडियम में उपस्थित है। अगर उपस्थित है तो हमको इसको बनाने वाले जो एंजाइम्स है उनकी आवश्यकता नहीं होगी। तब क्या होता है, जैसे वहाँ पे लैक्टोज ने क्या काम किया था, इंड्यूसर का काम किया था, इस लफ्ज का काम किया था इंड्यूसिबल ऑपेरॉन। यहाँ पर जो ट्रिप्टोफेन है वह को रिप्रेसर का काम करेगा, इसलिए इसको कहते हैं रिप्रेसिबल ऑपेरॉन। ठीक है, तो आप देखिए यदि मीडियम में ट्रिप्टोफेन उपस्थित है। ओके, तो सबसे पहले डीएनए से एमआरएनए बना, ये कौन सा जो ब्लू कलर का पार्ट है, यह कौन सा प्रोटीन है, रेगुलेटरी प्रोटीन है। इसने पहले एमआरएनए बनाया, फिर आके रिप्रेसर प्रोटीन बनाया। रिप्रेसर प्रोटीन मैंने आपको क्या बताया था, ट्रिप्टोफेन ऑपेरॉन में रिप्रेसर प्रोटीन स्वयं कैसा होता है, इनएक्टिव होता है जब बनता है तो नेचुरली। लेकिन जैसे ही मीडियम में यदि ट्रिप्टोफेन है तो ट्रिप्टोफेन स्वयं किसका कार्य करता है, को रिप्रेसर का कार्य करता है और वह इस रिप्रेसर प्रोटीन पे बाइंड होता है। जैसे ही ये ट्रिप्टोफेन इस रिप्रेसर प्रोटीन पे बाइंड होता है तो रिप्रेसर प्रोटीन अपना शेप चेंज कर लेता है। आप ये देखिए, रिप्रेसर प्रोटीन जैसे ही ट्रिप्टोफेन इस पे ट्रिप्टोफेन पे ट्रिप्टोफेन रिप्रेसर प्रोटीन पे बाइंड हुआ, इसने अपना शेप चेंज कर लिया। शेप चेंज करते ही अब यह आसानी से ऑपरेटर पे लॉकेन की तरह फिट हो जाएगा। जैसे ही यह फिट होगा तो आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं बढ़ पाएगा, यह आगे नहीं बढ़ पाएगा तो फिर आगे जीनों की अभिव्यक्ति नहीं होगी और जिसकी हमें आवश्यकता भी नहीं है। तो ये हो जाएगा ऑपेरॉन जो है वो स्विच ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हैं, इसीलिए से हम कहते हैं रिप्रेसिबल ऑपेरॉन। इसको भी हम एनिमेशन के द्वारा समझते हैं। अब देखिए, सबसे पहले रेगुलेटरी जीन ने एमआरएनए बनाया, एमआरएनए एक इनएक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन बनाया क्योंकि ट्रिप्टोफेन उपस्थित है जो ग्रीन कलर का पार्ट है, इसके जुड़ने से जो रिप्रेसर प्रोटीन है वह एक्टिव बन गया। यह जाके जुड़ जाता है ऑपरेटर पर, जैसे ही ये ऑपरेटर पर जुड़ता है आरएनए पॉलीमरेज जो कि आरएनए की सिंथेसिस के लिए प्रमोटर पर बाइंड होता है, यह आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं बढ़ पाता और यह इन पांचों जीनों की अभिव्यक्ति नहीं कर पाता, तो किसी प्रकार के ट्रिप्टोफेन का निर्माण भी नहीं होता। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जीन स्विच ऑन होते हैं तथा स्विच ऑफ होते हैं, तथा ये भी समझ सकते हैं कि इंड्यूसिबल और रिप्रेसिबल दोनों में क्या अंतर है। आपको सिर्फ एक एक उदाहरण याद करना है, एक इंड्यूसिबल का जो कि है लैक ऑपेरॉन और दूसरा एक रिप्रेसिबल ऑपेरॉन का जो कि है ट्रिप्टोफेन ऑपेरॉन। अब इस प्रकार से हमने एक बार पहले जब स्टार्टिंग में हमने ऑपेरॉन कंसेप्ट पढ़ा था तो हमने देखा था कि रेगुलेशन दो प्रकार का होता है, मेनली ऑपेरॉन टाइप्स ऑफ ऑपेरॉन तो हमने दो प्रकार के पढ़े थे। उससे पहले हमने पढ़ा था कि रेगुलेशन दो प्रकार के होता है, पहला होता है नेगेटिव रेगुलेशन और दूसरा होता है पॉजिटिव रेगुलेशन। नेगेटिव में मैंने आपको बताया था कि अगर रिप्रेसर प्रोटीन इन्वॉल्व होता है तो उसको हम नेगेटिव रेगुलेशन कहते हैं, और जबकि कोई एक्टिवेटर प्रोटीन इन्वॉल्व होता है तो उसको हम पॉजिटिव रेगुलेशन कहते हैं। तो ये दोनों जो हमने पढ़े हैं लैक ऑपेरॉन और ट्रिप्टोफेन ऑपेरॉन, ये दोनों क्या है, एक प्रकार के नेगेटिव रेगुलेशन है क्योंकि इनमें रिप्रेसर प्रोटीन इन्वॉल्व होता है, और साथ ही में लैक ऑपेरॉन है इंड्यूसिबल और जो ट्रिप्टोफेन ऑपेरॉन है वो है रिप्रेसिबल। आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके पश्चात नेक्स्ट लेक्चर में हम पॉजिटिव रेगुलेशन पर आएंगे जिसमें किसी प्रकार का कोई रिप्रेसर प्रोटीन इन्वॉल्व नहीं होगा। धन्यवाद।